अब हम आपको कुछ नए सेंटेंस लेके आए हैं जो कि डेली हम लोग बोलते हैं, डेली घर में, ऑफिस में, स्कूल में ये सेंटेंस बोले जाते हैं। इन सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जैसे पहले लिखा मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक बनाई है, क्या बनाई है, ये ट्रिक दिख रही है, ये यह लिखेंगे आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, खाली हमें क्या बनाना है, समय नहीं है का समय नहीं है, तो इसे बनाएंगे आई डोंट हैव टाइम टू पढ़ने की, इंग्लिश होती है रीड, तो ये बनेगा मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। इसको पूरे सेंटेंस में इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम टू रीड, टाइम टू रीड। अगला है मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, तो देखो आई डोंट हैव, आई डोंट हैव खेलने का टाइम, टाइम टू प्ले, समझ में आ गया, यस सर। आई डोंट हैव का मतलब मेरे पास है ही नहीं, नहीं है, नहीं का मतलब है पास। अगला मेरे पास घूरने का समय नहीं है, मेरे पास घूरने का समय नहीं है, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव टाइम, टाइम स्टे टू घूरने की क्या है स्पेलिंग, स्टीयर, स्टीयर, घूरने की क्या इंग्लिश है, स्टीयर, 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 मैंने सॉरी स्टीयर वही बोला था मैंने, हाँ स्टेयर, क्या चीज है, स्टेयर घूरना, स्टेयर माने घूरना। अब मेरे पास बातचीत करने का समय नहीं है, मेरे पास कैसे बनाएंगे, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, वेरी गुड, टॉक। आगे मेरे पास नाचने का समय नहीं है, कैसे बोलेंगे, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव टाइम टू डांस, टाइम टू डांस, है आसान, यस सर। मेरे पास टहलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव, सब नहीं बोले, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव टाइम टू वॉक, टहलने की इंग्लिश है वॉक, आगे मेरे पास जाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू गो गो, आगे मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट, खाने का समय तक नहीं है उनके पास। मेरे पास देखने का समय नहीं है, टाइम टू सी लुक लगा सकते हो, मेरे पास लिखने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टू राइट, टाइम टू राइट, मेरे पास आने का समय नहीं है, तो क्या बनाओगे, आई डोंट हैव टाइम टू कम, सबके समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच।